सब्जियों की महंगाई से राहत देने के लिए अब सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सस्ते भाव पर टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। एनसीसीएफ की ओर से दिल्ली और मुंबई में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा है। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता सौरभ पांडे की एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे, उसी क्रम में जो है आम नागरिकों को और ग्राहकों को राहत देते हुए सरकार की तरफ से जो है सस्ते दरों में टमाटर बिक्री की शुरुआत की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के लोअर परेल इलाके में और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है गाड़ियों में जो है एनसीसीएफ द्वारा यहाँ पर टमाटर की बिक्री हो रही है। ग्राहक जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं। अगर टमाटर के कीमतों की बात की जाए तो एनसीसीएफ द्वारा जो रेट तय किया गया है वो 60 रुपये प्रति किलो का है। इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं मिस्टर ग्रोवर मौजूद हैं। ग्रोवर जी, आप क्या शुरुआत आज से कर रहे हैं और किस तरह से ग्राहकों को राहत पहुँचाने वाले हैं? नमस्कार सभी को। ये हमारा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर एनसीसीएफ काम करता है, उसके अंतर्गत हम अपनी कंज्यूमर्स के लिए जो है स्कीमें लाते रहते हैं। इससे प्रांत हम भारत दाल, भारत राइस और ये लाए थे। अभी फ़िलहाल हम टमाटर की बिक्री शुरू करी है जो कि 60 रुपये में हम रियायती दरों पर आम जनता के लिए लाए हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और ग्राहक भी हैं, ग्राहकों से बात करते हैं। मैडम, पहले जो था टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, अभी 60 रुपीज़ पर केजी बिक रहे हैं, कैसा लग रहा है फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे लिए बहुत राहत की बात है ये, क्योंकि हम घर चलाने वाले लोग हैं, महंगी चीज़ें हमको नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी हमारे लिए ठीक है, कम में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है, अच्छा। टमाटर सस्ता है, 60 रुपए है तो अच्छी बात है। उधर टमाटो 100 रुपीज़ केजी है और यहाँ पे 60 रुपीज़ केजी दे रहे हैं तो हमें 40 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी सर्विस दे रही है हमें। ये है कि 120-150 रुपए केजी वहाँ पे टमाटर है और अभी जैसे गवर्नमेंट 60 रुपए किलो दे रही है तो एक किलो पे हम लोग 40 रुपए बचा रहे हैं। और ऐसा अगर यही स्कीम चलती रही गवर्नमेंट की तरफ से तो हम हर महीने 150-200 के करीब हर महीने हम अपने पैसे बचा सकते हैं। जिस तरह से आपने सुना, ग्राहक काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि इसी तरह के निर्णय सरकार को उनके हितों में उठाते रहने चाहिए ताकि उनके घर के बजट में किसी भी तरह का डिसबैलेंस ना हो सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सागर पाटिल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया।